गारमेंटमध्ये ॲज अ क्वालिटी कंट्रोल म्हणून काम करत होतो. मला महिन्याचा तिकडे 12-13 हजार तो पगार होता. 3-4 वर्ष काम करत होतो पण तेवढ्या याच्यामध्ये काय होत नव्हतं. तर मी ठरवलं काहीतरी बिझनेस करायचा. 3-4 वर्षापूर्वी मी गव्हर्नमेंटची स्कीम होती अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, तिकडे मी फाईल माझी पुटअप केली. तर ती फाईल पुटअप केल्याच्या नंतर 2 वर्ष तर मला त्या फाईलचं काय झालं नाही बँकेत, आणि तिकडे मला चक्रमार लागल्या. आणि मी म्हटलं की बाबा आता काय होणार नाही, सरकार बदली झाली, त्यांनी स्टार्टअप इंडिया ही योजना केली. नंतर मला थोडी आशा वाटली की बाबा ठीक आहे, आपण पुन्हा एकदा प्रयत्न करून बघूया. बिझनेस तर करायचाच आहे, कारण की पुढे जायचं काहीतरी सोर्स तर पाहिजेच आहे. ती फाईल मी पुटअप केली, त्यांनी माझी फाईल PNB करून बँक आहे पंजाब नॅशनल बँक तिकडे पुटअप केली. त्यांनी विदिन 1 वीकमध्ये त्यांचं होम व्हेरिफिकेशन झालं. त्यांनी व्हेरिफिकेशन केलं, माझं अकाउंट ओपन केलं, त्यांनी मला सँक्शन लेटर पण दिलं. त्या 10-15 दिवसामध्ये गाडी माझ्या हातामध्ये आली आणि आज मी तो बिझनेस स्टार्ट केला. उबेर में मेरी गाड़ी चला रहा है, सीखने मिल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज है, अच्छा लग रहा है, तो बिजनेस भी हो रहा है, तो फैमिली को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है. जिस दिन साल महीने का मैं 12,000-15,000 मतलब आता था मेरा, तो महीने का हफ्ते का मेरे को 12,000 रुपये मिल रहा है. अगर काली पीली में गाड़ी लेता तो मेरा धंधा नहीं हो पाता था. छुट्टी का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन पैसेंजर या जो लोगों का अभी मेंटेलिटी काफ़ी बदल चुका है. देखिए, हम लोगों ने पेटीएम हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि कैशलेस है. पैसा किसी को देना नहीं पड़ा, कैश किसी को देने की ज़रूरत नहीं. और यहाँ तक कि मैंने मेरे घर में भी सभी को स्मार्टफोन दे दिया और कहा है आगे से आप भी यही सीख लो. 2-4 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, आप सीख लो, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको आगे होना ही होना है. स्मार्टफोन यूज़ करते त्याच्यामध्ये खूप काय आहे, इंटरनेट वगैरह, पेटीएम वगैरह यूज़ करण्यासाठी मुलीचा अभ्यास वगैरे घेऊ शकते मी त्याच्यावरती, आणखी काही बघू शकते. मतलब लोग अपना रहे तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता है कि ये होना ही होना है. 100% इंडिया डिजिटल होगा और होना भी चाहिए. मैंने गांव के सरपंच से बात की थी कि हमें गांव में घर नहीं है, तो आप हमें उस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमें आप ले लीजिए. और उनको एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया. उन्होंने मेरी फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी और मे बी 1 मंथ में वो सेंक्शन हो गया. जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमसे कोई झूठ नहीं बोल सकता. हमारा फाइल आगे गया कि नहीं गया, हमारा काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी सारी जानकारी हम ऑनलाइन देख सकते. तो ये 2 अनुभव मेरे लिए है कि बाबा कुछ तो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, और उसका अनुभव मैंने ये 2 साल में मैंने लिया है.